आप एक शादी में गए और आपने किसी लड़के को देखा, वो आपको बहुत स्मार्ट लगा। आपने कहा वाओ ही इज स्मार्ट। एक लड़की आपको दिखी जो बहुत ब्यूटीफुल थी, आपने बोला वाओ शी इज ब्यूटीफुल। आपके ऑफिस में कोई लड़का या लड़की आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जनरली जब भी हमें कोई अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, सुंदर लगता है, तो या तो हम बोलते हैं ब्यूटीफुल या हम बोलते हैं स्मार्ट या हैंडसम। आपको नहीं लगता ये वर्ड्स काफ़ी बोरिंग टाइप हो गए हैं? मतलब नॉर्मली हर कोई इन वर्ड्स को यूज़ करता है। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर स्मार्ट, यू आर क्यूट। क्यों ना आज वोकैबुलरी को इन्हांस करें और डिफरेंट वर्ड्स सीखें, डिफरेंट सेंटेंसेस सीखें, जो आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाय एंड वेलकम टू हिंद कोच। मैं हूँ वंदना और इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे कुछ सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज टू अप्रिशिएट समवन्स ब्यूटी। गाइज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इन द एंड देयर इज अ टिप फॉर यू। मोर ओवर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट यू विल लर्न। यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह लगती हो। कोई आपको बहुत सुंदर लगता है तो आप ये बोल सकते हैं, यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह लगती हो। यू लुक एज प्रिटी एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह सुंदर लग रही हो। इसका मतलब है आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो कि यू लुक एज प्रिटी एज ऑलवेज, तुम हमेशा ही सुंदर लगती हो और तुम आज भी वैसे ही सुंदर लग रही हो। यू लुक ड्रॉप डेड गॉर्जियस, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यू हैव लुक्स टू डाई फॉर, इसका मतलब है आप इतनी सुंदर हो कि आप पर कोई भी मर सकता है। यहाँ पे मरने का ये मतलब नहीं है कि कोई मर जाएगा, इसका ये मतलब है कि आप इतनी सुंदर हैं कि आप पर किसी का भी दिल आ जाए। आई लव द वे यू लुक टुडे, आज आप जिस तरह लग रही हो मुझे तो प्यार हो गया है। I can't take my eyes off you, मैं तुम पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा। कई बार आप किसी ऐसे सुंदर व्यक्ति से मिलते हो और आप उनको देखते ही रहते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मूवी में देखते हैं कोई एक्ट्रेस हमें बहुत पसंद आ रही है तो हम देखते ही रहते हैं। सो आई कॉन्ट टेक माई आइज़ ऑफ यू, मैं तुम पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा। आई थिंक यू आर सुपर क्यूट, मुझे लगता है तुम बहुत सुंदर हो। सुपर क्यूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आई थिंक यू आर सुपर क्यूट, मुझे लगता है तुम बहुत प्यारे हो। योर ब्यूटी कांट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, तुम्हारी सुंदरता वर्ड्स में नहीं लिखी जा सकती। मतलब आप इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि अगर कोई आपकी प्रशंसा करना चाहे तो शब्दों के माध्यम से वो नहीं कर सकता, आप इतनी सुंदर हो। यू आर स्टनिंग, इसका मतलब है आप शोभायमान हैं, आप बहुत सुंदर हैं, यू आर स्टनिंग। यू आर बियॉन्ड गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, शानदार, और बियॉन्ड गॉर्जियस मतलब उस सुंदरता से भी परे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सुंदर। सो यू आर बियॉन्ड गॉर्जियस। यू लुक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, तुम बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हो। कोई होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, शानदार लगता है, एकदम क्लासी सा लगता है, तो उसके लिए आप कह सकते हो यू लुक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यू आर सो अडोरेबल, तुम कितने प्यारे हो। कोई आपको इतना सुंदर लगता है तो आप एकदम से कहते हो यू आर सो अडोरेबल, तुम कितने प्यारे हो। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया में सबसे सुंदर लड़की हो। अगर किसी लड़के की तारीफ करनी है तो आप कह सकते हैं यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय इन दिस वर्ल्ड, तुम एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़के हो। यू लुक सो रेडियंट, इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लग रही हैं, जिसके चेहरे पर एक अद्भुत ही कांति होती है, ग्लोइंग होता है जिसका चेहरा। यू लुक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम इस दुनिया से ही अलग लगते हो, इतने सुंदर हो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगते हो। यू कास्ट अ स्पेल ऑन मी, तुम मुझ पर जादू कर देते हो। किसी बहुत सुंदर व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो हम उसको देखते रहते हैं और ऐसा लगता है एक जादू सा हो गया है, मतलब एक समथिंग एक मैजिकल टाइप लगता है कि उसको देखते ही रहे या एक बहुत मैजिकल वर्ल्ड में हम चले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे किसी की अप्रिसिएशन करनी है तो आप बोल सकते हैं यू कास्ट अ स्पेल ऑन मी, तुम मुझ पर जादू कर देते हो। वॉचिंग यू इज़ लाइक लिसनिंग टू एंजल्स सिंग,
आपको देखना ऐसे लगता है जैसे परियों का गाना सुन रहे हैं. वॉचिंग यू इज लाइक लिसनिंग टू एंजल सिंग. आई हैव नेवर सीन एनीवन एज ब्यूटिफुल एज यू. मैंने आज तक आपके जितना सुंदर किसी को नहीं देखा. तो आपको कभी भी किसी को इम्प्रेस करना है तो ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव नेवर सीन एनीवन एज ब्यूटिफुल एज यू. मैंने आज तक आपके जितना सुंदर कोई भी नहीं देखा. योर ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल. तुम्हारी जो सुंदरता है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती. इनकम्पेरेबल, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता. आप इतने ज़्यादा सुंदर हो, आपकी ब्यूटी को किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते. आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो. नाउ कम्स द टाइम फॉर द टिप. टिप में मैं आज आपको बताऊंगी 5 पावरफुल वर्ड्स. ब्यूटिफुल, हैंडसम, स्मार्ट तो कॉमन से हो गए. अब देखते हैं कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स. एक्सक्विजिट, बिविचिंग, एंटाइजिंग, एलिगेंट, ग्रेसफुल. These are the words that you can use if you wish to appreciate someone's beauty. I hope you do like the video. अब जब भी किसी को appreciate करना हो तो please use these sentences and do use the powerful words. Please do like, share and subscribe our channel in Coach, where learning English is very easy.